हे गाइस वेलकम टू स्पार्टन सुबह। आई होप गाइस अच्छे होंगे। सो गाइस जैसे कि आपको पता होगा, सुबह को मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको डू नॉट डिस्टर्ब वाला जो फीचर है उसको एक्सप्लेन किया था। तो बहुत बंदे लोग बोल रहे थे कि पबजी मोबाइल में ऑलरेडी डू नॉट डिस्टर्ब वाला फीचर अवेलेबल है। तो गाइस मुझे भी पता है कि पबजी मोबाइल के आर वर्जन में डू नॉट डिस्टर्ब वाला फीचर अवेलेबल है। इवन मैं आपको बता देता हूं, ग्लोबल वर्जन में भी आपको ये वाला फीचर देखने को मिलता है किसी किसी अकाउंट में जिसका सर्वर के आर जी पी में है। ठीक है, जो हम लोग का एशिया में सर्वर रहता है ना, तो वो अगर के आर जी पी में किसी किसी का है तो उन लोग का प्रोफाइल में ये डू नॉट डिस्टर्ब वाला फीचर अभी भी ये करंट वर्जन पबजी मोबाइल 1.3 में। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बात सुनकर आप के आर जी पी में अपना सर्वर कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर के आर जी पी में चल गया तो आपका पिंग हाई हो जाएगा और एशिया में वापस आने के लिए 7 दिन के लिए वेट करेगा। मैं आपको बता दे रहा कि किसी किसी आई डी में जो जो के आर जी पी का सर्वर रखे उन लोग को ये फीचर शो करता है। ठीक है, बट मैं वीडियो इसलिए बनाया था कि पबजी मोबाइल 1.4 का जब अपडेट आएगा ये सबका प्रोफाइल में दिखेगा और कोई भी सर्वर में आप रहो, ग्लोबल वर्जन के आर वर्जन सब में ये वाला फीचर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ चुका है। सो गाइस अभी हम लोग आते हैं सेकंड टॉपिक में। तो वही वीडियो का कमेंट सेक्शन में बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई तुमको डासिया का स्किन कैसे मिल गया बीटा वर्जन में जो कि तुम्हारे लॉबी में दिख रहा है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपको दिख रहा व्हीकल ये डासिया नहीं है, ये क्यूब आरबी ऐसे कुछ नाम है वो व्हीकल का, और एक नया व्हीकल है जो कि आपका पबजी मोबाइल 1.4 का अपडेट में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको डासिया जैसे तो देखने को मिलता बट उससे ज्यादा ही ऑसम व्हीकल है। बट ये व्हीकल में एक कौन ये है कि केवल दो ही बंदा इसमें बैठ सकते, जैसे बग्गी में बैठते ना दो जन, इसमें भी आप दो ही जन केवल बैठ सकता है, चार जन नहीं बैठ सकता भले ही ये कार जैसा दिखता हो। डासिया के मुकाबले ज्यादा स्पीड चलता है, बहुत ही जल्दी आप किसी को भी पकड़ सकते हैं। जैसे मान लो कि बाइक वाला बंदा बहुत स्पीड जा रहा है तो उसका बराबरी या उससे थोड़ा सा स्लो बोल सकते जा सकता है ये गाड़ी, डासिया जैसा स्लो नहीं है और इसी चलते ये व्हीकल बहुत लोग यूज करेंगे। सो गाइस ये जो व्हीकल है मैं केवल इरेंगल में खेला हूं, तो इरेंगल मैप का मुझे पता है कि कंफर्म इरेंगल में है। बट जैसे मैं पबजी पीसी में देखा था तो पबजी पीसी में सैनॉक में भी था, उसके साथ साथ मीरामार में भी था। तो होपफुली मुझे लगता है कि सब मैप में आपको देखने को मिलेगा। काराकिन में मत होप कीजिएगा कि काराकिन में व्हीकल नहीं है, बाकी जितना भी मैप है तो मुझे लगता है सब में आपको ये अलग व्हीकल देखने को मिलेगा। और इसी बता दें तो ये कोई स्किन उस्किन नहीं है, ये नया व्हीकल का वैसे ही लुक है, डिफॉल्ट लुक। फ्यूचर में आपको स्किन देखने को मिलेगा पबजी मोबाइल के अंदर। फिलहाल के लिए ये जो गाड़ी का कलर है ऐसे ही ऑरेंज कलर का और काफ़ी स्पीड में चलता है, और आप देख पा रहे मैं आपको तो गेम प्ले उसका दिखा ही रहा हूँ। और इवन इसका जो आवाज़ है साउंड बहुत अच्छा है, जैसे आप स्टार्ट करते गाड़ी का तो एक्चुअल में लगता है कि पुराना वाला जो कार होता था जो चाबी से स्टार्ट होता था वैसे ही एकदम आवाज़ करता है। और ये जो व्हीकल है मुझे लगता है डुओ के लिए परफेक्ट है, दो जन आराम से इधर से उधर जा सकते हो वो भी काफ़ी स्पीड में, और उसके साथ साथ फ्यूल कंजप्शन भी उतना ज़्यादा नहीं है जैसे नॉर्मल डासिया का उतना ही है। जितना ज़्यादा आप नाइट्रो यूज़ करेंगे या बूस्ट यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा कंजप्ट होगा, बट ऐसे भी नहीं कि बहुत जल्दी एक वक्त खत्म हो जाएगा जैसे ग्लाइडर में फट से खत्म हो जाता है, वैसे आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड चेंजेस में जो कि पबजी मोबाइल 1.4 में इंप्लीमेंट किया गया हुआ है, M249 जो हम लोग का मशीन गन है। तो मशीन गन को ड्रॉप से तो अभी फिलहाल के लिए निकाला नहीं गया, ड्रॉप में ही आपको मशीन गन मिल रहा है। बट अभी अगर आप मशीन गन उठाते हो पबजी मोबाइल 1.4 में तो आपको एक्सटेंडेड मैग भी दिखाई देगा, उसके साथ साथ स्टॉक प्लेट का भी जगह दिखाई देगा। तो पहले आपको पता होगा केवल स्कोप अटैचमेंट ही लगता था, बाहर से एक्स्ट्रा कुछ अटैचमेंट नहीं लगता था जैसे एक्सटेंडेड स्टॉक प्लेट, बट ये अपडेट के बाद आप उसमें एक्सटेंडेड भी लगा सकते हैं और उसके साथ साथ स्टॉक प्लेट भी लगा सकते हैं। और आपको पता है अभी करेंटली जो पबजी मोबाइल 1.3 में जो M249 है वो करेंटली 100 एमओ लोड करके रखता है और उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट ये अपडेट के बाद जो बेस एमओ रहेगा ये गन का वो रहेगा 75 विदाउट एक्सटेंडेड, 75 एमओ आप लोड कर सकते हैं। जैसे आप एक्सटेंडेड लगा देंगे इसमें तो 150 एमओ हो जाएगा। तो और ऑब्वियस बात है जैसे आप 150 एमओ को पूरा स्विंग में चलाएंगे तो उसका रिकॉइल तो गड़बड़ होगा, तो उसके लिए स्टॉक प्लेट को डाला गया जिसमें आपको थोड़ा बहुत रिकॉइल कंट्रोल में रहे। और पहले स्टॉक प्लेट नहीं लगता था, वही डिफॉल्ट वाला रहता था, बट अभी आप उसमें स्टॉक प्लेट भी लगा सकते हैं, वही वाला स्टॉक प्लेट है जो आप M16 में लगाते हैं, M4 विक्टर उसके साथ साथ न्यूटन में, और वही स्टॉक प्लेट को आप लगा सकते हैं, उसके लिए अलग से कोई स्टॉक प्लेट खोजने का जरूरत नहीं है। तो ये कुछ चेंजेस था जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, और ये कोई भी डासिया की स्किन नहीं है, ये व्हीकल ही है जो कि पबजी मोबाइल 1.4 में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ओपी व्हीकल है, मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा दिया, आप खुद इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलो इतना रखते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।